नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। राजस्थान में एक दिन पहले एक तगड़ी सियासी गर्माहट घुल गई। माहौल ठंड का है, लेकिन यह गर्माहट राजनीतिक दलों में खासी चर्चा का विषय है। लोग अपने हिसाब से कोशिशें भी शुरू कर चुके हैं। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस ने महंगाई हटाओ के सिलेबस पे एक रैली आयोजित की थी, लेकिन कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी, सुप्रीमो कहना इसलिए ठीक रहेगा, अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद सारा कुछ वो ही मैनेज करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी मंच पर मौजूद रही, लेकिन उनका भाषण नहीं हुआ। प्रमुख भाषण राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का ही रहा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महंगाई हटाओ के सिलेबस पर आयोजित की गई रैली को धर्म से जोड़ दिया। हिंदू और हिंदुत्व की ऐसी खिचड़ी बनाकर राहुल गांधी चले गए, जिसकी उठती बदबू को अब कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। इसी बीच भारत के हिंदू राष्ट्र होने की राहुल गांधी की घोषणा का फायदा उठाते हुए AIIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है। जी हां, राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस लाइन को वो अपने हिसाब से बुनाना चाहते हैं, मुसलमान कांग्रेस से असुरक्षित महसूस करें और AIIMM का दामन थामें। तो राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे की शुरुआत राहुल गांधी की इस लाइन से होने की उम्मीद बलवती हो गई है। ओवैसी खुद दो तीन बार यहां का दौरा भी कर चुके हैं और राजस्थान में करीब 10% आबादी मुसलमानों की है। राजस्थान में फिलहाल 9 विधायक अल्पसंख्यकों के आते हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव परिणाम प्रभावित करने जैसे वोटर्स मुसलमानों के हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ओवैसी उन खास 56 सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की जुगत भिड़ाने वाले हैं। जैसा कि ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्वीट करते हुए ओवैसी ने यह कहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। इस ट्वीट से कुछ राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में हिंदू वोटर्स कितने लाभमंद होंगे यह देखने वाली बात है, लेकिन मुसलमान निश्चित तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र कहे जाने से कांग्रेस के पाले से निकलकर AIIMM की ओर जा सकते हैं। यदि मुसलमान तीसरा पाला यानी कि AIIMM को समर्थन देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी के हुक्मरान इस मुद्दे पर फिलहाल मौन है। उनके लिए राजनीतिक रूप से एक फायदे का सौदा है, इसलिए उनका मौन रहना लाजमी भी है। राहुल गांधी की इस रैली के बाद कांग्रेस के नेता अब हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुवाद जैसे शब्दों के मायने तलाशने में जुटे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके ओवैसी का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन वह प्रभावी प्रतीत नहीं हो रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओवैसी के ट्वीट का जवाब एक और ट्वीट से देने की कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों के यह गले नहीं उतर रहा। इससे पहले रैली में आमंत्रण के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उसमें मुसलमानों के जो प्रतिनिधि थे उनके आगे जनाब शब्द नहीं लगाने का मामला भी मौजूद रहा था। उसको लेकर यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज हैं। हालांकि इस रैली में जयपुर जिले की दो खास विधानसभा क्षेत्र किशनपोल और आदर्श नगर से बड़ी संख्या में भीड़ आई थी। इसके अलावा अलवर में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, जहां भी टोंक में, जहां भी मुसलमानों की अच्छी संख्या है, उनका खासा प्रभाव इस रैली में था। लेकिन वो क्या उम्मीद लेकर जाएंगे राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान से, हम आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मर जाए
रहा। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाई और बहनों, शक्ति से ऊपर उठो, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। राहुल गांधी, उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा। उसे सत्ता चाहिए, उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। तो आपने देखा इस बयान के बाद कि राहुल गांधी का यह बयान मुसलमानों के लिए किस तरह से इसराइली से ना उम्मीदी दे रहा है, और इस ना उम्मीदी को अपने पक्ष में भुनाने के लिए ओवैसी ने एक चाल चल दी है। यह चाल कितनी कामयाब होगी, राजस्थान में तीसरा मोर्चा क्या धमाल मचाएगा, यह तो समय के गर्त में है। लेकिन इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए पाक इंडिया।